हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि इजी वे में किस तरीके से स्पॉन्जी केक बना सकते हैं घर पर। घर का बना हुआ केक होता है तो सबको संतुष्टि रहती है। एक तो ये फ्रेश होता है और बहुत ही बढ़िया, मन भर के हम इसे खा सकते हैं। और इसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट चाहिए वो चाहिएंगे आधा कप दही, आधा कप शक्कर, इसी कप से ही मैंने शक्कर को भी मेजर किया है, एक कप मैदा, जरूरत अनुसार दूध, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटी चम्मच मीठा सोडा, एक छोटी चम्मच एसेंस। आप कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं, जिस फ्लेवर का आपको केक चाहिए वो फ्लेवर का आप एसेंस ले लीजिए। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, इसलिए पाइनएप्पल एसेंस लिया है। और चुटकी भर कलर, ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर येलो कलर ले रही हूँ। और एक चौथाई कप तेल। तो यहाँ पर सबसे पहले कुकर को मैंने ले लिया है, कुकर में मैं केक बनाना बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने एक कप नमक ले लिया है, ये मेरा पहले से यूज किया हुआ नमक है। इसके अंदर रिंग रख दी है और इसे अब हम ढक देते हैं। यहाँ पर मैंने विसल और रिंग दोनों को निकाल लिया है, ये नहीं लगाना है। आप इसकी जगह इडली कुकर या फिर भगोना या फिर कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। गैस को ऑन कर देते हैं और गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैं लो रख देती हूँ। लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक हम इसे प्री हीट होने देते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कप दही ले लेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा पुराना दही नहीं होना चाहिए। और इसमें अब डाल देते हैं हम आधा कप शक्कर, आप चाहे तो शक्कर को पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से हैंड विस्क की हेल्प से, अगर ये नहीं हो तो आप चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। शक्कर बिल्कुल अच्छे से दही में मिक्स हो जानी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से उसमें घुल जानी चाहिए। तब तक हम इसे अच्छे से फेटेंगे, 2-1 मिनट अच्छे से फेट लें आप। और जब इसे हाथ में लेके देखेंगे बैटर, तो बिल्कुल शक्कर अच्छे से घुल गई है, बिल्कुल चिकना सा लगेगा ये। अब हम डाल देते हैं इसमें आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, अच्छे से इसे भी हम मिला लेते हैं। और थोड़ी देर आप 1-2 मिनट इसे फेटेंगे तो देखेंगे आप ये फूल गया है। इस तरीके से फूल जाता है। और अब इसे हम डाल देंगे 1/4 कप तेल, मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच एसेंस, यहाँ पर मैं पाइनएप्पल एसेंस का यूज कर रही हूँ, मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ इसलिए। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं येलो कलर, चुटकी भर डाल रहे हैं बिल्कुल, ये ऑप्शनल है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें मैदा डालेंगे, 1 कप मैदा ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। अब इसमें हम जरूरत अनुसार दूध डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप वाला मेजरमेंट ले लिया है और उसमें दूध डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाते हैं। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और इसमें दूध डाल देंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें करीबन लगा 1/3 कप दूध। और पॉट ले लिया है, पॉट में मैंने बटर पेपर लगा दिया है कि आपको इजीली स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह तेल लगा के उसके बाद फिर मैदे से इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें हम ये बैटर डाल देते हैं, इसे 2-3 बार टैप कर लेते हैं। और कुकर भी रीहीट हो चुका है तो इसमें अब हम सावधानी से पॉट को रख देते हैं अंदर। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम कर लेना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 35 से 45 मिनट तक बैक करेंगे। आप 35 मिनट बाद एक बार चेक कर लें, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं बैक हुआ है तो आप इसे थोड़ी देर और बैक कर लें, ये डिपेंड करता है कि गैस की फ्लेम कैसी है। 35 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। चाकू या टूथपिक को डाल के देखेंगे बीच में और ये अगर क्लीन निकलती है यानी कि केक बन गया है। और अगर इसमें मिश्रण आता है चाकू में तो आप फिर इसे थोड़ी देर और बैक कर लें। कुकर में से निकाल लेते हैं, स्टैंड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे पॉट में से निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है केक, ठंडा होने पर ही आप इसे निकालें, नहीं तो ये अच्छे से निकलेगा नहीं और टूट जाएगा। और अब इसको चाकू से साइड में इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बटर पेपर को निकाल देते हैं हम। तो ये देखिए कितना बढ़िया, इजीली हमने इतना अच्छा स्पॉन्जी केक बना के तैयार कर लिया है।
ना इसमें हमने माइक्रोवेव का यूज़ किया, ना हमने बीटर का यूज़ किया, और बहुत ही बढ़िया हमारा केक बनके तैयार हो गया है। और बहुत ही अच्छा देखिए सॉफ्ट बना है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।